हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय संबंधित स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की। हाँ दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो सेकेंड ईयर के असाइनमेंट और एडमिट कार्ड को लेकर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आज ही जो है SOL की तरफ से रिलीज किया गया है। तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे कि कैसे जो है आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, साथ में जो है कैसे आप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि SOL से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों SOL के असाइनमेंट और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले SOL के जो है ऑफिशियल वेबसाइट sol.du.ac.in इस पे आना होगा, और इस पे जो है आपको गूगल पे आके जो है ये सर्च करना होगा, तभी जो है आपको ये वेबसाइट आएगा। ये जो है पुराना SOL का वेबसाइट है जो कि एनुअल मोड के छात्रों के लिए है। इसी पे जो है आपका असाइनमेंट जो है और एडमिट कार्ड जो है सेकेंड ईयर का रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं SOL असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन 2020 फॉर UG CBCS सेमेस्टर एंड सेकेंड ईयर एनुअल मोड स्टूडेंट ओनली। तो CBCS सेमेस्टर का जो है फर्स्ट ईयर का जो है वो पहले ही रिलीज कर दिया गया था, लेकिन आज जो है सेकेंड ईयर का एनुअल मोड का भी जो है रिलीज कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो है आपको असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए जो है स्टूडेंट डैशबोर्ड में आना होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा SOL असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन 2020 क्लिक ईयर, तो इसी पे जो है आपको क्लिक करना है। दोस्तों आप और भी एक चीज़ है, यहाँ पे जो है NC वेब का भी जो है असाइनमेंट जो है अपलोड किया गया है SOL की वेबसाइट पे ही। तो जो भी NC वेब की छात्राएं हैं वो भी यहां से जो है अपना असाइनमेंट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो हम SOL का जो है असाइनमेंट सेकेंड ईयर का जो है डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले इस पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं SOL असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन 2020 यहाँ पे जो है पोर्टल खुल के आ चुका है, और यहाँ पे जो है आपको लॉगिन करना होगा, जिसमें जो है SOL का रोल नंबर आपको डालना होगा और बार कोड डालना होगा जो कि आपके आई कार्ड पर जो है मिल जाएगा, और उसी पे जो है देख के आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। बाकी ऐड नंबर यहाँ पे लिखा आ रहा है, तो ऐड नंबर में आपको जो है यहाँ पे टोटल कितना नंबर हुआ है, जैसे 9+1 10 होता है, तो यहाँ पे वही नंबर लिखना है। तो यहाँ पे हम जो है लॉगिन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने लॉगिन कर लिया है, चूंकि ये जो है हमने फर्स्ट ईयर के छात्रों का जो है लॉगिन किया है, इसलिए आपको जो है यहाँ पे सेकेंड ईयर नहीं दिख रहा होगा। लेकिन जो सेकेंड ईयर के अगर छात्र यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ यहाँ पे जो है यहाँ पे सेमेस्टर फर्स्ट की जगह यहाँ पे सेकेंड ईयर जो है लिखा आएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन पेपर अपना डाउनलोड करने के लिए जो है यहाँ पे क्लिक करना होगा, और क्लिक करके जो है यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे कर देना है, और डाउनलोड का ऑप्शन आता है तो डाउनलोड पे जो है आपको क्लिक कर देना है। तो जो भी सेकंड ईयर के छात्र हैं उनका जो है यहां पे डाउनलोड होकर क्वेश्चन पेपर जो है आ जाएगा। तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे कुछ जो है गाइडलाइंस है, जैसे कि सेकेंड ईयर में भी जो है सेम गाइडलाइंस है, जिसमें कहा गया है कि 2 प्रश्नों के उत्तर जो है आपको देना है, सभी प्रश्नों के अंक जो है समान है, यानी कि आपको जो है टोटल 4 क्वेश्चन पूछा जाता है असाइनमेंट में, लेकिन आपको जो है सिर्फ 2 क्वेश्चन का जो है आंसर देना होता है। कोई भी आप जो 2 क्वेश्चन जो है इसमें कर सकते हैं, तो यहाँ से जो है आप कोई भी 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा। बाकी इसमें जो है वर्ड लिमिट तो नहीं दिया हुआ है, किसी किसी सब्जेक्ट में जो है वर्ड लिमिट में दिया हुआ है, जैसे 1 क्वेश्चन करने का जो है 500 वर्ड लिमिट है, तो अगर आप 500 वर्ड लिमिट में कर पाते हैं तो कर लीजिएगा। बाकी जिन छात्रों का अपने क्वेश्चन पेपर पे जो है लिमिट नहीं दिया हुआ है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उसको जो है 5 से 7 पेज में ये जो है ये क्वेश्चन का आंसर आपको करना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये टोटल 50 नंबर का है, तो 50-50 नंबर का जो है 2 क्वेश्चन होगा। तो इसलिए जो है आप कम से कम जो है 5 से 7 पेज में अपना आंसर जो है असाइनमेंट का जो है लिखें, उसके बाद जो है अपलोड करें। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको जो है सारा मामला पता चल गया होगा कि कैसे जो है आपको अपना जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। बाकी आपको जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप जब लॉगिन करते हैं स्टूडेंट डैशबोर्ड पे, तो सबसे ऊपर ही जो है अपना आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो है ऑप्शन आएगा, वहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड का जो है ऑप्शन आएगा। तो आप जो है वो डाउनलोड पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ से जो है आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, और उसमें जो है आपको एग्ज़ाम रोल नंबर और सारा जो है लिखा आ जाएगा। बाकी इसको लेके और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कॉमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बाकी उम्मीद है कि सारा मामला आपको जो है पता चल गया होगा, कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, कैसे असाइनमेंट डाउनलोड करना है। बाकी और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।